फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में, जिसका आईपीओ आया था आज और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसने एक ही दिन में लगभग 30% ग्रो किया था। उसके बाद थोड़ा नीचे आकर 477 पर आकर क्लोज हुआ है। इसका जो हाई है 499 का है और इसका जो आईपीओ आया था लगभग 375-380 के करीब इसकी लिस्टिंग थी और मेरे हिसाब से काफ़ी मीन्स अच्छा सब्सक्राइब हुआ था ये बैंक और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस आईपीओ को मिला था। और जिस तरीके से रिस्पांस मिला था उस तरीके से इस बैंक ने प्रॉफिट भी दिया है लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको आईपीओ में नहीं मिला है तो ये रेट पे आप बाय मत करिएगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिरे हैं और जो बैंकिंग का इंडेक्स है वो भी नीचे हैं, NPS भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो अगर आपने लिया है तो प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा नीचे आता है तो उसी के बाद आप इस स्टॉक को लोअर लेवल्स पे लीजिए, क्योंकि काफ़ी मीन्स प्रॉफिट अच्छा खासा एक ही दिन में IPO ने दिया है तो नीचे थोड़ा आकर कंसोलिडेट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है ताकि आप घाई करके हायर लेवल्स पर ना लें, ताकि आप इसके अंदर एक ही साथ फंस ना जाएं। तो अगर आपने लिया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए IPO में, और ये 477 हायर लेवल्स लगते हैं और मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो फिर से ही मीन्स 400 के करीब भी आ सकता है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और कुछ कुछ स्टॉक्स लोअर लेवल्स पर आप लीजिए। बैंक तो काफ़ी अच्छा है, मीन्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसमें पता चलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो मीन्स अच्छा स्टॉक है, लेकिन हायर लेवल से बचिए, यही मेरा मानना है। तो 375 पे इसका IPO आया था तो मीन्स थोड़ा करेक्ट अगर होता है ये स्टॉक तो फिर से लेवल्स 400 के करीब भी जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये और रिटर्न्स अच्छा खासा देगा और ऊपर जाएगा, 500 क्रॉस करेगा, तो आप लीजिए और होल्ड करिए। ये जो मेरी राय है वो मैंने आज बताई है। तो बैंक तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक डील्स होती हैं वो सेल भी जल्दी कर देते हैं, तो इनसे हम देख के ये स्टॉक लेना नहीं है, अपना दिमाग लगा कर लेना है, क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। बाकी इसका जो मार्केट कैप है 56,878 करोड़ का है और बाकी जो और भी डेटा अभी तक ज़्यादा कोई अवेलेबल नहीं है, जो भी फाइनेंशियल्स है इनकी वेबसाइट पर ही मिलेंगे, क्योंकि जो अभी तक अपडेटेड इस पर नहीं है, जो नए न्यू रिजल्ट्स आएंगे वो अपडेट होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो आप थोड़ा इसमें अभी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा नीचे लोअर लेवल्स पर ले लीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए। तो आज यही मुझे बताना था, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।